यस सर। पीपीटी दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है पीपीटी। हाँ ठीक है सब क्लियर दिख रहा है। अभी नहीं सर, सर आप प्रेजेंट करिए, क्लियर दिख प्रेजेंट रहा है कहाँ सब? कर रहे हैं? प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। आपको ये स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है नहीं दिख रहा है बताओ। हेलो अभी नहीं दिख रहा है, अभी आपको का वो नाम केवल दिख रहा है, नहीं अच्छा दिख रहा एक है, मिनट, एक मिनट रुको। नहीं दिख रहा है सर। ठीक है अभी दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। ठीक है अब ये पीपीटी दिखेगा। ठीक यस है सर दिख रहा हाँ चलो एक मिनट बस चालू करते हैं अपना अपना दुकानदारी चालू है। कर ओके देंगे। हाँ अभी क्लियर है सब? सर क्लियर है। हाँ ठीक है ओके। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट योर सब्जेक्ट एडिजिव एंड सीलेंट फॉर प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स राइट। सो फ्रॉम टुडे यू स्टार्ट योर यूनिट नंबर फर्स्ट। दैट यूनिट इज मोस्टली रिलेटेड विद द इंट्रोडक्शन अबाउट द एडेसिव टाइप्स ऑफ एडेसिव, नेचुरल एडेसिव, जिलीन एडेसिव, एनिमल ग्लू, ब्यूटुमनस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेसिव। एडेसिव क्या होता है, एडेसिव का टाइप क्या है और उसका रिक्वायरमेंट कहाँ होता है और एडेसिव कैसे सिलेक्ट किया जाता है राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉकिंग अबाउट द एडेसिव एंड इंट्रोडक्शन, एंड एडेसिव इज ए मीडियम दैट अलाउज टू सर्फेस ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट्स टू बी अटैच्ड और बॉन्डेड टूगेदर राइट। दे आर हाईली यूज अक्रॉस द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैकेनिकल फिक्सिंग कैन वीकन और अफेक्ट मटेरियल स्ट्रक्चर। एडेसिव इज ए सबस्टेट यूज फॉर स्टिकिंग टू अनलाइक बॉडीज टूगेदर ड्यू टू द मॉलिकुलर फोर्सेज एग्जिस्टिंग इन द एरियाज ऑफ कॉन्टैक्ट। मीन्स एडेसिव इस एक टाइप का मीडियम होता है जिससे हम टू डिफरेंट टाइप के बॉडीज दैट आर मॉलिकुलरली डिफरेंट और स्ट्रक्चरली डिफरेंट, ऐसे बॉडीज को हम अटैच करते हैं स्टिकिंग विथ ईच अदर ड्यू टू द मॉलिकुलर फोर्सेज एग्जिस्टिंग इन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। द डेवलपमेंट ऑफ एडेसिव हैज कंटिन्यूड ओवर द सेंचुरीज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस सिविलाइजेशन, बट इट वॉज नॉट अंटिल द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इन अर्लियर डेज एडेसिव आर मोस्टली यूज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज राइट। आफ्टर दैट विथ रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट एडेसिव चेंज देयर पार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू पॉलीमर इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एंड डिफरेंट रेगुलर अप्लीकेशन विथ रिस्पेक्ट टू कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड विथ रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस राइट। फॉर एग्जाम्पल अर्लियर वी डिस्कस अबाउट दी अ सिंपल एडेसिव दैट इज नथिंग बट अ फेविकॉल। फेविकॉल इज ए एडेसिव राइट। वॉट इज एडेसिव मेड आउट ऑफ? वेन अ लिक्विड इज एडेड टू एन एडेसिव इट बिकम्स अ ग्लू। ग्लू is a adhesive substance that binds two porous surfaces together. Adhesives made of three base of the following categories. Right? जैसे कि हम adhesives के बारे में जब classification करते हैं कि adhesive क्या है? Adhesive is a one part, is a medium which used to stick to different surfaces. चाहे वो metal metal surface को stick करना हो, चाहे metal से plastic को stick करना हो, चाहे वुडन से वुडन को स्टिक करना हो या कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एप्लीकेशन है। तो एडेसिव आर मेड ऑफ थ्री बेस ऑफ द कैटेगरीज। वन इज वुडन दैट इज वाटर बेस्ड एडेसिव, अनदर वन इज पेपर दैट इज वाटर बेस्ड एडेसिव, नेक्स्ट वन टेक्सटाइल दैट इज वाटर बेस्ड एडेसिव, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज दैट इज सॉल्वेंट बेस्ड एडेसिव, प्लास्टिक और ग्लास दैट इज साइनो बेस्ड एडेसिव। As we go down in above category, the price flammability is also increased their strength.
So whenever you are going to formulate some adhesive or adhesive, so that affect the flammability as well as the price of the adhesive, because that two are the main categories for the adhesive requirement. For example, if you made any formulation for adhesive and if you use that adhesive for some application, maybe in textile, wooden, paper, construction or plastic industry, so with respect to the performance requirement or the customer requirements, temperature is effect on the part of adhesion of that adhesive, right? And that requirement should fulfill. For example, if I or we make some adhesive, or if I use that adhesive in paper, textile, construction or plastics product, and if I want to use that adhesive product or added product or bonded product into the different environmental condition, maybe in very cold area, maybe in very hot area, maybe that part may be used in some machineries, right? So that time the temperature gradient as well as the mechanical frictions are all different criteria may affect on that adhesive, and that effect may lose the bonding between that two surfaces, right? And as well as the second part is cost is also considered for the adhesive preparation and requirement, right? If we classify the types of adhesive is classified basically the areas of natural adhesive, thermoplastic adhesive, thermosetting adhesive or rubber adhesive, right? If you are talking about the natural adhesives, earlier in olden days we are like हम जो पेड़ से निकलता था चिक्की, वी यूज दैट वन, दैट इज अ वेरी नेचुरल एडिटिव, और वी यूज सेलुलोज और सच मटेरियल, दैट इज अ नेचुरल एडिटिव, बट द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट ऑफ दैट नेचुरल एडिटिव इज वेरी पुअर. सो व्हाई इफ वी गो फॉर द इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस और कंस्ट्रक्शन और डिफरेंट एप्लीकेशंस, वी नीड अ मॉडिफाइड एडिटिव, एंड दैट एडिटिव इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग एंड रबर एडिटिव, राइट? And one more, if we are going to classify a deeply with the types of adhesive, so the types of adhesive classifies based on natural adhesive, thermoplastic adhesive, thermosetting adhesive and rubber adhesive. If we classify natural adhesive classify in three way, that is casein or animal or bituminous. Second one is thermoplastic adhesive, that is polyvinyl acetate, right? The thermosetting adhesive, that is phenol formaldehyde, urea formaldehyde or melamine formaldehyde or resusonol formaldehyde or epoxide adhesive, and last one only a rubber adhesive. If we are going deeply about the natural adhesive, the natural adhesive is classified like casein, animal or bituminous. Like the natural adhesive is what? The adhesive directly collected without any modification. The natural adhesive is directly collected from the natural source. So mostly natural adhesives are made from inorganic minerals sources or biological sources, that is automatically or directly collected from the inorganic mineral source or biological source. A simple paste of natural adhesive can be made by mixing of flour or water. The main applications of such natural adhesive is the applications of different adhesives are designed according to the adhesive being used and the size of the area to which the adhesive will be applied. The first one, casein. In the area of natural adhesive, the first one is casein. The casein, this product is made by dissolving casein, or casein is a one natural material that is available through the trees or in nature. We collect that material and made by dissolving a casein, a protein obtained from milk, in wooden bonding, casein glues, or generally as a superior. But
But with respect to this adhesive, like whenever we select some material or adhesive, that material or adhesive have two different methods. One is health issue, another is injurious. If you're talking about the health issue, there's casein allergy. A small fraction of the population is allergic to the casein. Sometimes for very simple example, आप फेविक्विक देखे होंगे या फेविस्टिक देखे होंगे. हम अगर फेविक्विक हाथ फेविस्टिक हाथ पे लगाते हैं, फेविक्विक या फेविकॉल हाथ पे लगाते हैं, थोड़ी देर बाद देखिए कि आपका हाथ सूख जाता है और चमड़ी जैसा फेविकॉल निकलना चालू होता है. अदरवाइज कभी कभी हम फेविस्टिक हाथ में लगा दें तो हमारा हाथ चिपक जाता है या हाथ को हजार्डस हो जाता है, राइट ना, स्किन खराब हो जाती है. तो सेम टाइम एडेजिव हैव वन मोर डिसएडवांटेजेस रिलेटेड विद द हेल्थ इशू. The uses of such casein adhesive is a label for glass bottles, like casein, glues is mainly used to adhere glass bottle labels, paint, glue, cheese making, like that. Another one is an animal based adhesive. An animal is an adhesive that created by prolonged boiling of animals. Like animal glue was the most common woodworking glue for thousands of years. The types is one hide glue, hoof glue, rabbit skin glue, but these are the very introductory part. But nowadays this is not used in the market, or these types of adhesive are not used in the area of applications. The main natural adhesive is the one bituminous adhesive. That is, bitumen is a very ancient product. The Roman called its earth peach. Its the source was Ragusa on Sicily, where it was found in rock formations which contained about 14% of bituminous. It's used in paints and mark ins by some graphite supply companies to increase the weather resistance and to make the color much darker. The second one is थर्मोप्लास्टिक एडिजन. अंकित आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है आवाज. हाँ, क्लियर दिख रहा है पीपीटी? हाँ, क्लियर दिख रहा है पूरा. हाँ ठीक. द नेक्स्ट वन इज थर्मोप्लास्टिक एडिजन. थर्मोप्लास्टिक एडिजन इज व्हाट. हम अभी तक जो बात किए कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स होता है, जिसको थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को हम प्रोसेस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग, एक्सट्रूजन मोल्डिंग और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग कैटेगरीज में हम प्रोसेस करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स बनाते हैं, राइट. बट थर्मोप्लास्टिक मटेरियल से हम एडिजिव भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वन मटेरियल, दैट इज पॉलीविनाइल एसीटेट, पीवीए. द थर्मोप्लास्टिक एडिजिव, दिस टाइप्स ऑफ एडिजिव मे बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड which softens when heated and when cooled will regain their original form and strength. Right. The polyvinyl acetate is an emulsion in a water. That is, PVA is salt, is an adhesive for porous material, particularly wood, paper, and cloth. It is a PVA, is a solid polymer material. This adhesive may be used in solid form as well as immersion form. But mostly, that PVA material convert into the emulsion form, a semi-liquid, a semi-viscous liquid emulsion form, and use that adhesive in different porous area. And these types of thermoplastic adhesive is mostly applicable in porous area like paper, like wooden, like different cloths, not for plastics, right. They mostly used is with what, a wood glue. PVA is a known for white glue and the yellow as the carport of glue of PVA glue. The main application in paper adhesive, handicrafts, envelope and wallpaper adhesive. It's a simple, हमारे पास एक adhesive हम खरीदते हैं दुकान से, right? That is nothing but PVA acetate, polyvinyl acetate. अच्छा ना, जो simple glue हम खरीदते हैं market में, that is a PVA thermoplastic adhesive.
अदर इज ए थर्मोसिपिंग सॉल्वेंट बेस एडिटिव. The thermosipping adhesive classified in phenol, formaldehyde, urea, melamine, resusinol, and epoxide. But mostly the 90% market is covered by your epoxy adhesive. A thermosipping adhesive, these types of adhesive are resins which become solid through a chemical reaction or by applying heat. Once said, they cannot be reformed. Like phenol formaldehyde. This is a pressure sensitive type of adhesive. The adherent surface after being coated with this adhesive is subject to curing by heat and pressure. In the case of phenol formaldehyde adhesive, this adhesive is mostly used as a high pressure sensitive adhesive. Means such adhesive is mostly used in the area of high pressure sensitive application, where if you want to bond to different material like plastic to plastic or maybe for metal to plastic, and you use that product in high pressure or high sensitive area, so there these types of additives is mostly used. This material are cured by with the help of heat, applying the heat. The uses of mostly in phenolic resins and wood or proofing area. Another is a urea formaldehyde resin. आवाज आ रहा है अंकित? Yes sir, आ रहा है. Screen दिख रहा है clear? Yes, sir. ठीक है, आज थोड़ा सा रहेगा, धीरे धीरे फिर ये हो जाएगा क्लियर. ठीक है, ओके. कोई प्रॉब्लम? सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ सर, बढ़िया चल रहा है. हाँ, लास्ट में 5 मिनट दूंगा, कुछ पूछना है तो पूछना. अभी धीरे धीरे फर्स्ट है तो अपना क्या है, धीरे धीरे रहेगा. जैसा जैसा आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे एक्सपर्ट बन जाएगी अपना ऑनलाइन में. ठीक है, मेन अपना एडवांटेज है कि चालू करना है, फिर धीरे धीरे जैसा हम करेंगे धीरे धीरे और एडवांस टेक्निक इसमें लगाएंगे. ठीक है, फिर एक साथ दो दो वीडियो भी दिखाएंगे, दो तीन ऐसे पीपीटी चालू करेंगे, एक नया सॉफ्टवेयर लाएंगे. ओके ओके. हाँ, द अनदर इज ए यूरिया फॉर्मल्डिहाइड. द यूरिया फॉर्मल्डिहाइड एडिजिव आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्लास ऑफ अमाइनो रेजिन एडिजिव. इट इज अवेलेबल इन द सेम फॉर्मेट ऑफ द लाइक फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड. And the use of such adhesive is also in high pressure sensitive. Initially, water solubility, the suitable for bulk as well as relatively inexpensive products. Like, but the main difference in phenol and urea formaldehyde is what? Phenol formaldehyde is very costly because the performance requirement is very high. And urea formaldehyde, the cost of urea formaldehyde is less as compared to phenol because the application is quite less as compared to phenol formaldehyde. Another one is its hardness, non-flammability, good thermal properties. It is a absence of color in cured polymer. But the disadvantages of this adhesive is what? The greatest disadvantages of the amino resin is their bond deterioration caused by water and moisture. In the case of urea formaldehyde, it is used for pressure sensitive, so that that phenol is capable to withstand moisture and water. But in the case of urea formaldehyde, these greatest disadvantages is what? This adhesive is not have capacity to withstand water and moisture. So this is a very disadvantages in urea formaldehyde. The use of this adhesive is a plywood adhesive as well as particle board as adhesive. Third one is a melamine. This is a very specific fast setting adhesive specially formulated for room temperature
bonding of porous substrate to difficult to bond synthetic material such as melamine surface and highly impregnated papers. The most used about this adhesive for exterior and semi-exterior wood panels and for the preparation and bonding of both low and high pressure paper laminates and overlays. Another is resusinol phenol formaldehyde. The resusinol the phenol formaldehyde already adhesive humne liya hai. This is the second one, the group of phenol, that is resusinol. The main difference in the that both adhesive is what, that resusinol phenol formaldehyde, it is used as a resin as well as hardener, right? So mostly what in the phenol formaldehyde, the adhesive is directly applied to the surface and we use heat to bind that adhesive. But in the resusinol phenol formaldehyde, we use a phenol formaldehyde with a hardener, a resusinol phenol formaldehyde with a hardener, and we make adhesive and use that adhesive to the substrate, and that is automatically start exothermic reaction and cure itself with respect to the time limit. But इसमें भी अगर हम ये एडिजिव किसी सब्सट्रेट पे अप्लाई करते हैं तो रिक्वायरमेंट होता है कि जो एडिजिव यूज किया है वो तो कितने टाइम में सेट होना चाहिए. तो टाइम रिक्वायरमेंट डिपेंड होता है हमारा हार्डनर के ऊपर कि हम किस टाइप का हार्डनर सिलेक्ट करते हैं वो एडिजिव पे अप्लाई करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू देयर रिलेवेंट विस्कोसिटी. लास्ट वन इज इपॉक्सी, दैट इज सॉल्वेंट बेस्ड एडिजिव. I already tell you that epoxy adhesive is a major part for the class of adhesive called structural adhesive or engineering adhesive. This epoxy adhesive have most part and criteria or it capture the large area of market in the area of adhesive. अगर आपको इपॉक्सी रेजिन का बेस्ट कोई एप्लीकेशन देखना है, आपने वो देखा होगा जब अंकित जब पानी लीक होता है तो हम उसमें क्या लगाते हैं, एमसील. एमसील क्या है, लीकेज को प्रिवेंट करते हैं. हाँ वो क्या है, कौन सा एडिसिव है, वो भी एडिसिव हो गया ना, टाइप का एडिसिव है, इपॉक्सी का ही होगा सर. हाँ अगर हम एमसील की बात करते हैं तो एमसील इज ए व्हाट, एमसील इज ए इपॉक्सी बेस्ड एडिसिव. इपॉक्सी हाँ दैट इज एडिसिव. हम क्या करते हैं विद इपॉक्सी, देयर इज अ डिफरेंट वन कंपाउंड, वो दोनों कंपाउंड मिक्स करते हैं और वहाँ पे उसको लगाते हैं टू विस्टैंड द प्रेशर और जो कुछ हमारा एप्लीकेशन है उसके लिए, राइट. तो इपॉक्सी प्रेजेंट मत करो. अरे यार ये इधर से ऐसा किसने प्रेजेंट कर दिया है, प्रसून गायन पागल है क्या वो, प्रसून क्या कर रहा है बनकर. अरे यार इधर से पूरा खराब कर दिया नेटवर्क. प्रसून गायन ऑफ करो वीडियो, वो स्क्रीन शेयर कर रहा है खुद का अपना. अरे प्रसून क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा था सर वो, पागल है क्या वो, ये तो एक साल भर का कॉलेज आया नहीं. ऑफ किया सर, ऑफ कर लिया, अभी आप प्रेजेंट करिए. अभी दिख रहा है, नहीं नहीं फिर से करना पड़ेगा आपको प्रेजेंट, अभी दिख नहीं रहा है. हेलो प्रसून ऑफ कर. अरे रुको दो मिनट, एक मिनट कर देता हूँ. Used in the construction of aircraft, eco-mobile, bicycles, boats, golf clubs, skis, snowboards and other applications where high strength bond are required. Right. जैसा हम epoxy adhesive में बात करते हैं तो epoxy adhesive बहुत high class and it covers the 90% market in every application. Because in the case of when we select the epoxy material to make any adhesive, epoxy material classify in different way. Right. इपॉक्सी जैसा हम
पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीथिलीन लेते हैं तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होता है ना, इंजेक्शन मोल्डिंग, एस्ट्रोजन मोल्डिंग, है ना, एस्ट्रोजन ब्लो होता है. तो सेम इन द केस ऑफ इपॉक्सी, इपॉक्सी हैव ऑल्सो अ वाइड वेराइटी ऑफ रेजिन विथ रिस्पेक्ट टू दैट, वाइड वेराइटी इज विथ रिस्पेक्ट टू द विस्कोसिटी, राइट, कि हमको विस्कोसिटी किस लेवल का विस्कोसिटी का एडिजिव बनाना है, उस लेवल का हम स्पेसिफिक विस्कोसिटी मटेरियल खरीदते हैं. जैसे हम एमसील लाते हैं तो एमसील डायरेक्ट, एमसील में दो मटेरियल होते हैं ना, हम दोनों एक मिनट में मिक्स करते हैं फिर उसको लगाते हैं, तो वो कंपनी से डायरेक्ट एक ही क्यों आता है, मिक्स करके क्यों नहीं आता है, हमको क्यों मिक्स करना पड़ता है? अकॉर्डिंग टू द विस्कोसिटी. हाँ, अगर वो कंपनी से मिक्स होके आएगा तो खरीदने वाला कभी भी खरीद सकता है, तब तक वो हार्ड हो जाएगा ना, क्योंकि उसका विस्कोसिटी पहले ही बहुत बढ़ जाएगा. तो इसलिए वो डिफरेंट दो कंपाउंड सेपरेट देते हैं, एक इपॉक्सी कंपाउंड और एक क्यूरिंग कंपाउंड. तो हम हमारे हिसाब से मिक्स करते हैं कि हमको जो कंपाउंड बनाना है वो लगाने के लिए वो कितना हार्ड बनाना है या सॉफ्ट बनाना है, उसके हिसाब से हम उतना ही कंपाउंड उसमें लगा के उसका एक स्ट्रिप बना के हम लगाते हैं. तो सेम इन द केस ऑफ इपॉक्सी एडिजिव, इपॉक्सी एडिजिव का हम प्रोपोर्शन बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर विस्कोसिटी, कि हमारा विस्कोसिटी रिक्वायरमेंट क्या है और एप्लीकेशन क्या है, उसके हिसाब से विल मेक अ इपॉक्सी रेजिन एडिजिव. अनदर वन इज ए रबर एडिजिव. सो इन द केस ऑफ रबर मटेरियल, सी फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रबर और डिफरेंट इन NBR रबर और डिफरेंट रबर. सो नेचुरल रबर इज ऑफन वल्कनाइज ए प्रोसेस by which the rubber is heated and sulfur peroxide or bisphenol are added to improve resilience and elasticity and to prevent from perishing. So mostly the tapes are made from, like, हम जैसे different plastics material लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और कोई चीज़ बनाते हैं. बट अगर हमको रबर मटेरियल का कोई चीज़ बनाना है तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट एडिटिव यूज करते हैं रबर का कंपाउंड बनाने के लिए, और उसके साथ ही हम वो रबर को विद रिस्पेक्ट ऑफ सल्फर और क्यूरिंग एजेंट से हम कन्वर्ट इनटू द स्ट्रिप फॉर्म एंड यूज दैट स्ट्रिप एज ए एडिटिव. Right, there is some standard consideration for the adhesive. Right, so the first standard consideration is British Standard Institute, that is a BSI. BSI group, also known in its home market, that is a British Standard Institution, or BSI, is a multinational business service provider whose principal activity is to production of standards and the supply of standard related service. The first is what test products to confirm the manufacturer, like adhesive for construction, the standard is BS 1204 1979. Like adhesive for plywood have a different standard, right? So with respect to that BS classification, a natural, synthetic, water based, water or boil proof, boil resistance, moisture resistance, are there different areas, right? Whenever we select that adhesive, that selection of that adhesive based on the requirement, हमको किस टाइप का requirement चाहिए उस टाइप के requirement के हिसाब से हम adhesive select करते हैं. Like हमको moisture resistance चाहिए तो किसमें moisture resistance अच्छा है. For example, we need a different material to with respect to gap filling और उसका general uses क्या है. So with respect to that all requirement we select the adhesive. If you considering the market survey about the adhesive part, the main adhesive market price for the water base is from 30 to 200, solvent based adhesive from 80 to 250, or a cyano based adhesive market price from 3000 to 7000 per kg. Right, this one is your introductory part. So the next part about the same introduction will continue in next class. Okay.
ओके सर।